हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग फिर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला होने वाला है, क्योंकि आज है क्रिसमस और क्रिसमस में मैं आया हूँ अलांटे मॉल। तो अलांटे मॉल जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो अलांटे मॉल डिफरेंट ही डेकोरेशन होती है की भी, मतलब अकॉर्डिंग टू थीम जो भी फेस्टिवल होता है। तो आज क्रिसमस है तो क्रिसमस के दिन डेकोरेशन कुछ अल्टीमेट होने वाली है। तो बस बने रहिएगा आप मेरे इस ब्लॉग के एंड तक, ताकि मैं दिखा सकूं कि इसकी डेकोरेशन कैसी है अंदर से और अलांटे मॉल क्या स्पेशल है। अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो अलांटे मॉल में आपके लिए क्या क्या स्पेशल हो सकता है, बस बने रहिएगा आप एंड तक। तो गाइज ये है यहाँ से एंट्री, ये एंट्री गेट है, ये आप देख सकते हैं अलांटे मॉल बाहर से। आज अलांटे मॉल का कुछ और ही नज़ारा है। तो ये एंट्री है, और मेरे साथ है मेरे भाई साहब अपने दीपक। और अलांटे मॉल का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही डेकोरेशन है वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी की हुई है। तो बस अभी बने रहिएगा आप। तो गाइज अभी मैं घूम रहा हूँ अलांटे मॉल में और यहाँ पे क्राउड इस टाइम इतना बहुत ही ज़्यादा है और नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कैसे नज़ारे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम पे मॉल रोड की जेडी मारते हुए। इस जेडी से शिमला की याद आ गई, शिमला मॉल रोड की, जब हम कॉलेज टाइम में होते थे तो बहुत ही ज़्यादा गेड़ियाँ मारते थे शिमला मॉल रोड पे। आज जो यहाँ का क्राउड है वो शिमला मॉल रोड के बराबर हुआ हुआ, लाइक फुल आप देख सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो अच्छा लग रहा है ऐसी जगह आके, और क्रिसमस बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो अगर आप भी क्रिसमस मना रहे हैं कहीं पे तो फोटो जरूर शेयर करिएगा कमेंट में। और अगर आप भी अलांटे मॉल आए हो आज तो आप भी देख सकते हैं, आप भी लुक तो उठा रहे होंगे। तो गाइस हो रही है मस्ती और मॉलिंग हो रही है, क्राउड काफी अच्छा है। Thank you.
अलग अलग टाइप से लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स को डेकोरेशन किया गया है। गाइस अभी हम चले हैं मॉल रोड में, सैर कर रहे हैं, मॉल के अंदर शॉप्स का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह आके, और आज तो बहुत ही अच्छा आप एक मौसम कह सकते हैं। देख सकते हैं आप अच्छे डेकोरेशन, ऐसी जो थीम की मैं बात कर रहा था वो थीम यही है। काफी अच्छी सजावट की गई है। मॉल आके मजा आ रहा, एंटरटेनिंग क्राउड फुल। अभी पहुंच गए हैं फूड कॉर्नर में, तो खाने को देखते हैं कुछ क्या क्या स्पेशल है, तो आज देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ऑर्डर आ गया है। ये देखो भाई साहब खाने के लिए रेडी है, और ये ऑर्डर, तो अभी हम खाते हैं। तो अभी खा पी लिया है और घूम भी लिए हैं, तो अभी जा रहे हैं वापस घर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। गाइस अब आ गए हम बाहर, ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं जहाँ से एंट्री अंदर होती है। तो अभी जा रहे हैं घर, देख सकते हैं क्राउड बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। गाइस नाइट व्यू देख सकते हैं आप, तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आज क्रिसमस भी था, आप लोगों को मैरी क्रिसमस, एंड आप लोगों की फैमिली को भी मैरी क्रिसमस, आप लोग खुश रहे एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड न्यू ईयर आप अच्छे से मनाना, न्यू ईयर के लिए अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएं। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ
आप लोगों के लिए नए ब्लॉग्स के लिए सोचने की कुछ नए ब्लॉग्स लेके आए आप लोगों के लिए, तो देखते हैं कैसा रहता है ये प्लान। तो बस बने रहिएगा आप मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में, ताकि मेरे जो भी वीडियो नहीं बनाई आती है वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो अभी के लिए इस ब्लॉग से लेता हूं अलविदा, मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग में कुछ और नई इंटरेस्टेड प्लेस के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।